Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to have discussion on capitalization. We have got some rules in English on the basis of which you have to write the starting letter of a word capital. What are those words and what are those rules and regulations? So in today's video we are going to have discussion on those rules and regulation. You know hamare paas jo hai wo ek ko hum kehte hain small letters aur dusre ko hum kehte hain capital letters. For example, मैं यहाँ पर ए लिखता हूँ और फिर मैं यहाँ पर इस तरह ए लिखता हूँ. इस ए को हम कहते हैं स्मॉल लेटर और इस ए को हम कहते हैं कैपिटल लेटर. अब कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारे पास चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं या सेंटेंस के मिडल में आ जाएं या चाहे वो सेंटेंस के एंड में आ जाएं, हम हमेशा उसको कैपिटल के साथ लिखेंगे. हमारे पास इंग्लिश में जनरल रूल ये है दैट वेन एवर वी हैव गॉट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, so it is important that the sentence should be started with the capital letter. Hamare paas English mein ye rule hai ki hum jab bhi kisi sentence ko start karenge to hum hamesha usko capital letter se start karenge. For example, main kehta hu ki he is coming aur fir end mein hum yahan par kya karte hain, punctuation mark lagate hain. To ye do aise rules hain jo ki har ek sentence pe apply hote hain. Rule number 1 ye hai ki aap isko hamesha जो है वो कैपिटल के साथ स्टार्ट करेंगे और दूसरा रूल ये है कि आप हमेशा इसके एंड में पंक्चुएशन मार्क को यूज करेंगे. अब कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज करना है तो वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस आया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है. तो जो भी सेंटेंस आपके पास आया है आपकी जो पंक्चुएशन मार्क होगी वो उसी के बेस पर होगी. लेकिन इतना याद रखें कि सेंटेंस के स्टार्ट में जो भी वर्ड आएगा उसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल होगा, चाहे वो स्टार्टिंग वर्ड हमारे पास कोई नाउन हो, कोई प्रोनाउन हो, कोई वर्ब हो, कोई एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, प्रीपोजिशन हो, कंजंक्शन हो या इंटरजेक्शन हो. तो जो भी वर्ड होगा यू विल हैव टू राइट द फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल लेटर. फिर बाकी हमारे पास है कि फर्स्ट वर्ड इनसाइड कोटेशन मार्क्स, ही सेड दे आर प्लेइंग. अब ये जो मार्क मैंने यहां पर लगाए हैं इन मार्क्स को हम कहते हैं कोटेशन मार्क्स या आप इसको इन्वर्टेड कॉमास भी कह सकते हैं. तो इतना याद रखें कि जब भी आपके पास कोटेशन मार्क्स आएंगे या इन्वर्टेड कॉमास आएगा तो उसके अंदर जो फर्स्ट लेटर होगा वो भी हमेशा आप कैपिटल यूज करेंगे. फिर तीसरा रूल हमारे पास है प्रोनाउन आई के लिए. ये जो हमारे पास आई है ये हमारे पास लेटर बी है और ये हमारे पास वर्ड भी है. यानी फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं माइंड, तो अब आप देख सकते हैं कि यहां पर इस आई को मैंने जो है वो स्मॉल लिखा है. रीजन ये है क्योंकि यहां पर ये एज अ लेटर यूज हुआ है. लेकिन अगर मैं कहता हूं कि आई एम प्लेइंग तो यहां पर मैं आई को कैपिटल लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर ये एज अ लेटर यूज नहीं हुआ है बल्कि यहां पर ये हमारे पास एज अ वर्ड यूज हुआ है. आपको किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास एज अ वर्ड यूज हुआ है या एज अ लेटर यूज हुआ है? तो इसका सिंपल पॉइंट ये है कि जब आई आपके पास इंडिविजुअल आ जाए यानी सिर्फ और सिर्फ अकेले आ जाए तो फिर हम उसे कहते हैं कि हमारे पास वर्ड है. लेकिन अगर यही आई हमारे पास किसी वर्ड का हिस्सा बन जाए, जिस तरह यहाँ पर ये माइंड में जो है वो इसका हिस्सा बना हुआ है, तो फिर ये हमारे पास लेटर होगा. सो रिमेंबर दैट वेन एवर आई इज यूज्ड एज अ लेटर इट शुड बी ऑलवेज यूज्ड इन स्मॉल एंड वेन एवर इट इज यूज्ड एज अ वर्ड देन इट शुड बी ऑलवेज रिटन विद कैपिटल. तो आई चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, चाहे सेंटेंस के मिड में आ जाए या चाहे सेंटेंस के एंड में आ जाए, ये जरूरी है कि आप हमेशा इसको कैपिटल के साथ लिखेंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास है एक्रोनिम्स. हमारे पास एक्रोनिम्स ये होते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं नेटो. अब ये हमारे पास एक्रोनिम है. एक हमारे पास होता है एब्रीविएशन, एक हमारे पास होता है एक्रोनिम. एब्रीविएशन का मतलब यह होता है कि हम जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा वर्ड्स होते हैं और हम उनका स्टार्टिंग लेटर लेते हैं और उसको जब हम प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो हम उसको एज वन वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं सीएसएस. अब ये सीएसएस हमारे पास सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज का एब्रीविएशन है, लेकिन मैं इसको एज वन वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूं, इस वजह से ये हमारे पास एब्रीविएशन होगा. लेकिन अगर मैं नेटो को प्रोनाउंस करना चाहूं, सो यू सी दैट ऑल्दो इट इज एन एब्रीविएशन बट इट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड. तो जब हम किसी एब्रीविएशन को एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं तो फिर हम उसे एक्रोनिम कहते हैं. अब याद रखें कि आपके पास जब भी एब्रीविएशन आएगा या आपके पास एक्रोनिम आएगा उसमें जितने भी लेटर्स आपके पास होंगे
आप उन सबको कैपिटल लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस नेटो को इस तरह लिखता हूं। अब ऑल दो मैंने यहां पर एन तो कैपिटल लगा लिया है, लेकिन बाकी जो यहां पर हमारे पास लेटर्स हैं मैंने इनको स्मॉल लिखा है, जबकि रूल के मुताबिक हमारे पास जब भी एक्रोनिम आएगा या जब भी हमारे पास एब्रीवेशन आएगा यह जरूरी है कि हम इनके सारे लेटर्स को कैपिटल के साथ लिखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं FBI। अब F तो मैंने कैपिटल लगा लिया, लेकिन B और I को आप देखिए मैंने इसको जो है वो स्मॉल लेटर के तौर पर यूज किया है, जबकि हमारे पास रूल ये है कि जब भी हमारे पास एब्रीवेशन आएगा तो उसमें जितने भी हमारे पास लेटर्स होंगे उन सारे लेटर्स को हम कैपिटल फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमारे पास कौन से नाउन्स होते हैं? अगर ये किसी प्रॉपर किसी एक खास इंसान का नाम होता है, किसी खास सिटी का नेम होता है, किसी खास कंट्री का नेम होता है, किसी खास प्लेस का नेम होता है, किसी खास गेम वगैरह का नेम होता है, तो आप हमेशा इसको कैपिटल के साथ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि आई मेट अब्दुल्ला, तो ये सेंटेंस हमारे पास गलत होगा, क्योंकि अब्दुल्ला हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के लिए हमारे पास रूल ये है कि हमेशा कैपिटल के साथ स्टार्ट होता है। द नेक्स्ट रूल इज फेस्टिवल्स। हमारे पास हर एक मुआशरे में, हर एक कंट्री में, हर एक रिलीजन में अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं जिसको वो सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि द मुस्लिम्स सेलिब्रेट ईद। अब ईद हमारे पास क्या है? ये हमारे पास जो है वो एक फेस्टिवल का नाम है, इस वजह से हम इसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। हम कहते हैं कि द क्रिसमस, इस तरह हम कहते हैं कि द होली। तो आप देख सकते हैं कि इस फेस्टिवल का हमारे पास जो स्टार्टिंग लेटर आ रहा है वी आर स्टार्टिंग इट विद अ कैपिटल लेटर। द नेक्स्ट इज डेज। अगर यहां पर मैं लिखूं कि आई विल कम ऑन ट्यूजडे, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब भी डे का नेम आएगा हम हमेशा उसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। तो हमारे पास इसमें जो स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए ये हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, जबकि हमने इसको स्मॉल यूज किया है। तो आपके पास सेवन डेज के नेम हैं और इन सेवन आउट ऑफ सेवन को आप कैपिटल लेटर के साथ यूज करेंगे। नेक्स्ट इज नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज। आई लिव इन पिशावर, ये सेंटेंस हमारे पास गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो पी है हमने इसको स्मॉल यूज किया है, जबकि रूल के मुताबिक ये इस तरह आना चाहिए। तो हमारे पास जितने भी सिटीज के नेम है हम इसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। या अगर मैं इस तरह लिखूं कि आई लिव इन पाकिस्तान, तो फिर भी ये गलत होगा, बल्कि मैं इसको इस तरह लिखूंगा कि पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पास एक कंट्री का नेम है। तो हमारे पास जितने भी कंट्रीज के नेम आते हैं या हमारे पास जितने भी सिटीज के नेम आते हैं हम हमेशा इसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेजेस। हमारे पास दुनिया में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जितने भी लैंग्वेजेस के आपके पास नेम आएंगे आप हमेशा इसको कैपिटल के साथ यूज करेंगे। आप कह देंगे वी स्पीक पश्तो, आवर नेशनल लैंग्वेज इज उर्दू। अब अगर आप यहां पर पश्तो में पी को देखते हैं और यहां पर उर्दू में यू को देखते हैं तो हमने इसको कैपिटल के साथ लिखा है, क्योंकि रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास लैंग्वेज के नेम आते हैं हम हमेशा इसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज बुक्स। हमारे पास जो मशहूर किताबें होती हैं या जितने भी हमारे पास किताबें होगी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि द होली कुरान, हम कहते हैं कि द बाइबल, हम कहते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो हमारे पास जितने भी बुक्स के नेम होंगे हम हमेशा उसको कैपिटल के साथ लिखेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इन द रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे पास जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं हम उसका नाम भी कैपिटल के साथ लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। सो यू कैन सी के वर्ल्ड में हमने डब्ल्यू को कैपिटल लिखा, हेल्थ में हमने एच को कैपिटल लिखा और ऑर्गेनाइजेशन में हमने ओ को कैपिटल लिखा। फिर जितने भी हमारे पास टाइटल्स होते हैं, जिस तरह मैं कहता हूं कि
गवर्नर जनरल, मैं कहता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने जो है वो गवर्नर जनरल में जो है डबल जी को कैपिटल लिखा है, बल्कि और उसके बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर में हमने पी को और मिनिस्टर में हमने एम को कैपिटल लिखा है, क्योंकि रूल के मुताबिक हमारे पास जब भी किसी टाइटल का नेम आता है हम उसको कैपिटल में लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज मंथ्स। अगर मैं कहूं कि इट इज अक्टूबर, तो ये गलत होगा, इसको हम इस तरह लिखेंगे, इट इज अक्टूबर। तो इसमें हमारे पास जो ओ होगा वो कैपिटल होगा। द वेदर इज हॉट इन जून, ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा क्योंकि मंथ का नेम है, तो मंथ के नेम को हम कैपिटल के साथ लिखते हैं। देन द नेक्स्ट इज नेम ऑफ हॉस्पिटल्स। हमारे पास जितने भी हॉस्पिटल्स के नेम होते हैं हम उसको भी कैपिटल के साथ लिखते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हेवर टीचिंग हॉस्पिटल, आप अगर इसका एब्रीविएशन लिखेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा, कैपिटल आएगा। तो जितने भी आपके पास हॉस्पिटल्स के नेम होते हैं आप उसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज पार्क्स, जिस तरह हम कहते हैं कि द तातारा पार्क, या हम कहते हैं कि द बागे नारायण, तो यहां पर आप देखिए तातारा पार्क में को हमने कैपिटल के साथ लिखा है, सिमिलरली बागे नारायण को भी हमने कैपिटल के साथ लिखा है। तो हमारे पास जितने भी पार्क्स के नेम आते हैं हम इसको भी कैपिटल के साथ लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज होटल्स, हमारे पास जितने भी होटल्स होते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि शेर खान होटल, तो आपके पास जितने भी होटल्स के नेम आएंगे ये जरूरी है कि आप उसको भी कैपिटल के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रीट्स एंड रोड्स। जितने भी हमारे पास स्ट्रीट्स के नेम होते हैं या रोड्स के नेम होते हैं, जिस तरह हम कह सकते हैं कि नसीम हैदर रोड, जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हमारे जो नसीम हैदर साहब हैं उसका जो है वो बायो में बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो उसके नाम पे एक रोड होना चाहिए। तो अगर हम नसीम हैदर साहब के नाम पे रोड बनाएंगे तो ये जरूरी है कि उस रोड का जो नेम होगा आप उसको भी क्या करेंगे, कैपिटल के साथ लिखेंगे। इस तरह हमारे पास जो है वो स्ट्रीट्स आते हैं, जिस तरह मैं कहता हूँ कि सनास स्ट्रीट, या मैं कहता हूँ कि सनास स्ट्रीट, चलो हमारे पास ये स्ट्रीट है इसका नाम है सना, तो हमारे पास इसका जो स्टार्टिंग लेटर होगा वो भी हमेशा कैपिटल आएगा। देन द नेक्स्ट इज माउंटेन्स, हमारे पास जितने भी माउंटेन्स के नेम आते हैं, जिस तरह आप लिखते हैं कि के टू, या आप लिखते हैं कि माउंट एवरेस्ट, तो हमारे पास जितने भी माउंटेन्स के नेम आते हैं या जितने भी आपके पास माउंटेन रेंजेस के नेम आते हैं, माउंटेन रेंजेस का मतलब होते हैं जिसको हम पहाड़ी सिलसिला कहते हैं, जिस तरह हमारे पास आज हिमालयाज या जिसको हम हिमालयाज भी कह सकते हैं, तो उसका भी जो हमारे पास स्टार्टिंग लेटर होगा वो कैपिटल होगा। द नेक्स्ट वन इज ओशंस, आप कहते हैं द पैसिफिक ओशन, या आप कहते हैं द अरेबियन सी। रूल हमारे पास ये है कि जब भी हमारे पास किसी सी का नेम आता है या हमारे पास किसी ओशन का नेम आता है तो हम उसको कैपिटल के साथ लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज डेजर्ट, जिसको हम सहरा कहते हैं, हमारे पास आ जाए द गोबी डेजर्ट, या हमारे पास आ जाए द सहारा, तो हमारे पास जितने भी डेजर्ट्स के नेम आते हैं हम इसको भी कैपिटल के साथ लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज मूवीज, जितने भी आपके पास मूवीज के नेम होते हैं आप उसको भी क्या करते हैं, आप उसको भी कैपिटल के साथ लिखते हैं, जिस तरह आप कहते हैं द अपोकैलिप्टो, सही है। तो आपके पास जितने भी मूवीज के नेम आएंगे आप उसको कैपिटल के साथ लिखेंगे। आपके पास अगर मैगजीन्स के नेम आते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स, या आपके पास आ जाए जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, तो आपके पास जितने भी मैगजीन्स के नेम आते हैं आप उसको भी कैपिटल के साथ लिखते हैं। अच्छा, इसके साथ आप ऐड कर लें न्यूज़पेपर को, कि जितने भी हमारे पास न्यूज़पेपर्स के नेम आएंगे हम इसको भी कैपिटल के साथ लिखेंगे, जिस तरह हम कहते हैं कि द न्यूज़,
या हम कहते हैं कि डॉन, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कैपिटल के साथ आते हैं। और लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज वार्स, हमारे पास जितने भी जंगों के नेम होते हैं हम कहते हैं द वर्ल्ड वार वन, या हम कहते हैं कि द स्पेनिश वार। तो जितने भी आपके पास जंगों के नेम आते हैं आप इसको कैपिटल के साथ यूज करेंगे। तो ये हमारे पास थे कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में हमारे पास किसी चीज की एक्सप्लेनेशन नहीं होती, सही है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको क्रेम करना है, आपने इसका रटा लगाना है ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए। तो आपने इन सारे चीज़ों का ये लिस्ट अपने जहन में याद रखना है और इसी चीज़ों के बेस पर जो है वो आप ये फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन से वर्ड को हम कैपिटल के साथ लिखते हैं और कौन से वर्ड को हम कैपिटल के साथ नहीं लिखते हैं। कैपिटलाइजेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो हमारे पास यूसेज होता है ये बहुत ज़्यादा होता है। होपफुली यू विल मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स और इसके बाद आप लोगों के लिए कैपिटलाइजेशन में किसी किस्म का मसला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, आई हैव गॉट ऑल माई वेल विशेज विद यू पीपल, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़।